पवन सिंह जतिबाद करता है और पवन सिंह जतिबाद के नाम से जाना जाता है। पवन सिंह ऐसे घटिया गाना गाने के भोजपुरी के नाम चेहरा पहचान घटिए नाम से हुआ है, क्योंकि इसके कुछ भी आता भी नहीं है, गाने तक भी नहीं आता है, क्योंकि ऐसा ही गाना गाएगा और कोई जिला नहीं है, बाकी एक ही जिला है इसका। इसके गाने का कोई मकसद भी नहीं रहता है, इनको तो खाली बस मार कर दारू और सो जाने का मन करता है। बस इसको कैसे कैसे कोई फिल्म मिलिम दे देता है और बस एक्टिंग नहीं आता है इसकी, कुछ भी नहीं आता है। तो देखिए विरोधियों लोग को मिर्ची लगेगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरा नाम अजय ठाकुर, आप देख रहे हैं अजय भोजपुरी और स्टोरी भोजपुरी पे आपको स्वागत करते हैं कि पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अब आपको बताते हैं कि पवन सिंह जातिवाद करता है, ये सच्चाई है। पवन सिंह को गाना नहीं आता है गाने के, वो कई लोग बोलेंगे कि अभी जो स्त्री टू में गाना गया है वो जो 100 मिलियन हुआ है तो उसकी वजह से हुआ है क्या? पवन सिंह की वजह से? इसको तो भाई साहब का नाचने भी नहीं आता है और नाचेंगे कैसा लगता है, सांड नाच रहा है ये। गेंडू है, गेंडू क्या नाचेगा। अब बताते हैं कि ये पवन सिंह है, पवन सिंह अपनी गाना पे एड ना लगाए तो इसको व्यूज नहीं बढ़ेगा। इसके गाने पे एड ना रहे तो व्यूज नहीं बढ़ेगा। और ये इसका व्यूज कितना हो सकता है? एक दिन में 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं करेगा यदि एड नहीं लगाया तो। अब एड लगा दिए तो भाई एक दिन में 300 मिलियन कर सकता है, 200 मिलियन। ऐसा है कि भोजपुरी का दुर्दशा ये खराब किया। और गाने की बात करता है तो ये जातिवाद करता ही है, कोई शक नहीं है। अभी एक गाना आया है बबुआन, एक गाना आया है आरा जिला बबुआन। बताओ ये जातिवाद तो खुद ही कर रहा है। ऐसे इससे लोग संसद अति क्या बनेगा, कुछ बन पाएगा? बबुआन है तो बबुआन है कहोगे क्या यार? तुम आरा जिला के तो आरे, और कोई जिला नहीं है, सब जिला का नीचे रख रहे हो क्या पैर पे? कहाँ तक सही है भाई? ऐसे जातिवाद करने से ऐसे संस्कार किसने देता आपको? और ये गाना गाता कैसे? शर्म करो कुछ भी, वो गाने तक भी नहीं आता इससे, शर्म करो। भगवान ये सॉन्ग है और वो सूर्यवंशी फिल्म है, और सूर्यवंशी फिल्म का टाइटल भी चोरी किया है, टाइटल चोरी कर लिया है हिंदी वाला, अमिताभ बच्चन का टाइटल चोरी कर लिया है। और तब भी ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाएगा, 7 जन्म भी लग जाएगा तो भी नहीं होगा ब्लॉकबस्टर। और कई लोग बोलेंगे अरे इसमें रजनीश मिश्रा मालूम है यही राइटर बन रहा है, साला म्यूजिक डायरेक्टर भी नहीं अच्छा से बन पाया है और प्रोड्यूसर भी नहीं कर पाता है और राइटर भी सब बन गए। वाह क्या फिल्म बनाया, एक सांड एक बैल से लड़ा तो हो गया कहानी खत्म। यही कहानी है भोजपुरी इंडस्ट्री का भाई। आप कमेंट करके बताइएगा कि विरोधियों लोग को तो जरूर कमीची लगने वाला, क्योंकि ये सहा नहीं जाएगा। अब भाई